स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दों का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाए बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले देर से कर्नाटक चुनाव के प्रचार में उतरे, लेकिन एक बार उतरने के बाद उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा है। वे 30 अप्रैल से लगातार कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और गुरुवार को प्रचार बंद होने तक प्रचार करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 1 मई को कर्नाटक पहुंचे थे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन शुरुआत एक दिन पहले ही कर दी थी। 30 अप्रैल को उन्होंने नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए भाजपा के सभी उम्मीदवारों और पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और बूथ जीतने का मंत्र दिया था। इसके अगले दिन वे प्रचार के लिए पहुंचे और 3 रैलियां की। उसके अगले दिन 2 मई को उन्होंने नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री इसके बाद 3 मई को प्रचार के लिए कर्नाटक गए। उन्होंने 5 और 6 मई को भी प्रचार किया और फिर 8 व 9 मई को धुआंधार रैलियां की। बीच के 2 दिन जब वे कर्नाटक नहीं गए, उस दिन उन्होंने नमो ऐप के जरिए भाजपा की महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित किया। प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नमो ऐप के जरिए पार्टी के एससी एसटी मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बेंगलुरु में वे रोड शो भी कर सकते हैं। दलित मसलों पर भाजपा और केंद्र सरकार की ओर से रामविलास पासवान और रामदास अठावले ने कमान संभाल ली है, पर अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार के मंत्री थावरचंद गहलोत ने अपना चेहरा दिखाने की पहल की है। गहलोत ने सहयोगी पार्टियों के दलित नेताओं को पीछे छोड़ते हुए दलितों के आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ठेके पर दी जाने वाली नौकरियों में भी दलित युवाओं को आरक्षण दिया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने आउटसोर्सिंग वाले कामों में भी दलित युवाओं के लिए आरक्षण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन सेक्टर में काम करने वालों को भी वेतन केंद्र या राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है, इसलिए इसमें भी आरक्षण किया जाना चाहिए। ध्यान रहे, पिछले कुछ समय से रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। संगठित क्षेत्र में नौकरियां कम हुई हैं और सरकारी क्षेत्र में तो नौकरियां लगभग खत्म हो गई हैं। सो संगठित क्षेत्र और सरकार में स्थायी नौकरी की बजाय अब ज्यादातर नौकरियां ठेके पर है। सरकार भी अपनी कई सेवाएं चलाने के लिए निजी कंपनियों को ठेका दे रही है या काम आउटसोर्स कर रही है। तभी थावरचंद गहलोत ने ठेके पर नौकरियों और आउटसोर्सिंग में आरक्षण की मांग की है। आप देख रहे हैं सोचे सोचना जरूरी, अब है खुलासा। ताजा सुर्खियों में और बहस में जिस बात ने आपको भड़काया है या कंफ्यूज किया है, उसका मतलब क्या है तो और छोर क्या कुछ है, इसे समझने के लिए आप देखें आज का खुलासा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम से अलग पत्रकारों से बात करते हुए मंगलवार को कहा कि अगर 2019 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती है तो वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच राहुल गांधी का ये बयान कई मायने में बेहद अहम है। आत्मविश्वास से भरे उनके इस बयान का संकेत तो ये है कि उनको लग रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीत रही है और इसलिए ये सही समय है कि अपनी दावेदारी पेश की जाएगी। ध्यान रहे, कर्नाटक का चुनाव पूरी तरह से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के नाम पर लड़ा जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने भी बड़ी मेहनत की है। वो लगातार कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते रहे हैं। उनको पता है कि अगर कांग्रेस कर्नाटक हार जाती है तो वो अपने इस बयान के लिए मजाक का विषय बन जाएंगे, पर उन्होंने नतीजों से पहले बहुत सोच समझकर जोखिम लिया है। उनके इस बयान का दूसरा मतलब ये भी है कि उन्होंने देश के सभी प्रादेशिक क्षत्रपों को ये संदेश दे दिया है कि विपक्ष की ओर से वो दावेदार हैं। उन्होंने मोदी के मुकाबले कौन है सवाल पूछने वालों को भी जवाब दिया है। राहुल गांधी का ये कहना अपने आप में बहुत अहम है कि अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो वो प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं। आमतौर पर ये प्रचार किया जाता रहा है कि अगर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला या वो बहुमत के करीब नहीं पहुंची तो राहुल प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि वो गठबंधन को नहीं संभाल सकते हैं या गठबंधन की पार्टियां उनके नाम पर तैयार नहीं होंगी। राहुल गांधी ने इस प्रचार को खत्म करने के लिए ये बयान दिया है। उनको पता है कि कांग्रेस बहुमत के आसपास भी नहीं पहुंचने वाली, इसलिए उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी की बात कही। ज्यादा संभावना इस बात की है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी भी नहीं बन पाए। तभी कांग्रेस के नेताओं के पास राहुल के बयान की
एक अलग व्याख्या भी है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने बता दिया है कि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी रहने वाली है और इस नाते प्रधानमंत्री पद पर उनका ही दावा बनता है। राहुल के इस बयान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि अगर चुनाव के बाद त्रिशंकु लोकसभा बनती है तो कांग्रेस दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रयास करेगी। भारत में खासतौर से मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए ये प्रचार किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, तभी अपनी अपनी सुविधा से लोग नए चेहरे पेश करते रहे हैं। ममता बनर्जी से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक का चेहरा पेश किया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से मनमोहन सिंह के जैसे कुछ अराजनीतिक चेहरों को लेकर चर्चा हो रही है, पर राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि मोदी के मुकाबले उनका चेहरा होगा। अब ये विपक्ष के ऊपर निर्भर है कि वो राहुल को स्वीकार करते हैं या नहीं। चुनाव बाद की स्थिति में उनके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा, लेकिन उससे पहले कुछ विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर सकती हैं, क्योंकि कई पार्टियां चाहती हैं कि विपक्ष एकजुट होकर लड़े लेकिन प्रधानमंत्री पद का कोई चेहरा पेश ना करे। कांग्रेस पहले भी इसके लिए तैयार नहीं थी और अब राहुल गांधी के बयान के बाद तो बिल्कुल तैयार नहीं होगी। यानी कांग्रेस के साथ जो भी पार्टी गठबंधन करके लड़ेगी उसे राहुल गांधी को नेता मानकर लड़ना होगा। तभी कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने गलत सलाह के चक्कर में पड़कर यूपीए का आकार बढ़ने की संभावना कम कर दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले दिनों कहा था कि उन्हें राहुल गांधी को नेता मानने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि लोग उनको नेता माने। यानी वो कहना चाह रही थी कि अगर चुनाव के बाद कांग्रेस अच्छी स्थिति में आती है तो राहुल के नेता मानने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूसरा पहलू ये है कि चुनाव से पहले वो राहुल का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की तरह विपक्ष के कई और ऐसे नेता हैं जो मानते हैं कि राहुल का चेहरा पेश करने से नुकसान हो सकता है। उनको लग रहा है कि राहुल के मुकाबले मोदी का कद बहुत बड़ा दिखेगा और उनसे नाराज मतदाता भी फिर उनकी ओर लौट जाए। ये खतरा वास्तविक है, पर राहुल गांधी ने बहुत सोच समझकर ये खतरा उठाया है। उनको पता है कि प्रादेशिक क्षत्रपों के सामने अपना नेतृत्व स्थापित करने का यही समय है। इसके बाद जब 2024 के चुनाव होंगे तब कई क्षत्रप अपने आप ही राजनीतिक परिदृश्य से हट चुके होंगे। जो चुनौती है वो अभी है, आगे नहीं रहनी है। भाजपा की भी जो चुनौती है अभी है, वो आगे नहीं मिलने वाली। राहुल गांधी ने सबसे कठिन चुनौती के समय में अपना नेतृत्व पेश किया है, इसका फायदा भी हो सकता है। उम्मीद है प्रोग्राम जचा होगा। अपनी राय, अपना सुझाव कमेंट लिखे भेजे। यदि सोशल मीडिया की कोई बात मुझसे शेयर करनी हो तो मोबाइल नंबर 09717748382 पर मुझे भेजे। आपसे रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे हुए सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं। वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले। धन्यवाद। नमस्कार।